Hello students, this is Jaya Bhairathi here. Today we are on the concluding lecture of our unit 1, that is meaning and scope of business. Aaj hum unit 1.2 objectives of business and profession par discussion karenge. Start karne se pehle sabse pehle hum samjhenge objectives word ka kya arth hai. Business aur profession word ka meaning hum already discuss kar chuke hain. सो हिंदी में हम ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं उद्देश्य. देखिए एज एन इंडिविजुअल वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एज अ इकोनॉमी द गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव? सो फॉर एन इंडिविजुअल एन ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड रिजल्ट वेयर आई वॉन्ट टू रीच. वह अंतिम उद्देश्य, वह अंतिम स्थान जहाँ मैं पहुँचना चाहता या चाहती हूँ. नाउ वी डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस. सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और एंड पॉइंट्स और द पोल स्टार्स टू दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच. और वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू ऑल दैट बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट टू दे डू. यानी एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के एक्सचेंज में क्या पाना चाहता है या व्यवसाय क्यों करना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. यहाँ हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस और प्रोफेशन के कॉमन होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रोफेशन के सेपरेट होंगे. इसीलिए अभी यहाँ टॉपिक में ऊपर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन दे रखा है. लेट्स डिस्कस वन मोर सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अकॉर्डिंग टू वेरिच एंड कुंस, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच एन एक्टिविटी इज एम्ड. यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट क्या आने वाला है उसके ऊपर जो हम एम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव. सो आई थिंक अब आपको समझ में कुछ आया होगा कि बिजनेस के क्या उद्देश्य हो सकते हैं या कोई व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम. हमने बात करी जब हम बिजनेस करते हैं इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट्स अ सोसाइटियल एक्टिविटी. सो द थिंग इज़ कि वी जेनरेट इनकम. देन कई बार हमारा जब बिज़नेस एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम उसको एक्सपैंड भी करने की कोशिश करते हैं. सो एक्सपेंशन के लिए अब हम अपना बिज़नेस, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं. देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव माना गया बिज़नेस का वो था प्रॉफिट अर्निंग. बट नाउ बिज़नेस के डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद द बिज़नेस. सो यू सी कि बिज़नेस को एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें बिज़नेस करना पड़ेगा. देन कई बार हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना चाहते हैं, वी शो आर वर्क एफिशिएंसी, हम सोसाइटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, गुडविल रेप्यूटेशन बनाना चाहते हैं. सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस. ये एक बड़ी जनरलाइज्ड लिस्ट है. Every business has a separate objective apart from earning profits, apart from generating some income. एक business का objective हो सकता है कि 5 years में उसको अपना turnover double करना है. But another businessman can have an objective कि मुझे 5 years में अपना market rate share double करना है. So every business organization has different objectives, different end points where they want to reach. But this is a generalized list. Now we come to some more objectives of business. जब हम business करते हैं, अभी हमने discuss कर लिया कि हम market में अपने आप को establish करना चाहते हैं. Sometimes some people want to innovate. आजकल startups का time चल रहा है, आप different motivational speakers को देख रहे हैं, everybody gives you
द थिंग कि आप जितना इनोवेटिव होंगे, जितना नया क्रिएटिविटी कुछ होगा, तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा. सो सम पीपल हैज़ अ नेक फॉर इनोवेशन, को कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो उनका उद्देश्य है कि मैं कुछ मार्केट में नया लेकर आऊँ. एंड ऑब्वियसली कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज तभी हमें नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं. देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कुछ लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए. देन अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज़ वेरी क्लियर. सम बिजनेसेस डेवलप द मैनेजेरियल परफॉर्मेंस एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं. देखिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस इज अ प्लूरलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट बीइंग डन अलोन. आइसोलेशन में काम नहीं करें. सो एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड, द बिजनेस पर्सन और द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, द स्टेक होल्डर्स, द बैंकर्स, द कस्टमर्स एंड द इकोनमी और द कंट्री एज अ होल. बट बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि why do we do business, what are the objectives of business, objectives क्या हैं और क्या उद्देश्य हमें अपने व्यापार के लिए निर्धारित करने चाहिए. So this is our basic topic. देखिए, जब आप, now let's come to profession. मैंने बात करी, profession is a specialized knowledge. उसके बाद आप कोई काम करें, then you become a professional. So very first thing is obviously it's a source for income. There are some people who need to achieve something. हमारे motivation theories में एक theory है, need for achievement. आप अपने आप के लिए कोई standard रखते हैं और फिर उसको accomplish करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, and you have this knack of doing something better. एक अभी इधर हम आपका ही example लें. Why you have chosen to do a course in designing? Because आपका उद्देश्य क्या है? Fashion designer बनना. किसी का उद्देश्य होगा कि उसे garment industry लगानी है, किसी का उद्देश्य होगा उसे boutique खोलना है, किसी का उद्देश्य उसको teacher बनना है, lecturer बनना है, किसी को consultancy खोलनी है garment से related. So ये सारे need for achievement objectives हैं. यहाँ आपका एप्टीट्यूड है इस कोर्स के लिए, आपको लगता है कि इस कोर्स में स्कोप है, दैट इज़ व्हाई यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड. सो एंड फाइनली, कई बार हम कोई प्रोफेशन इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग उसी प्रोफेशन में होते हैं. इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है गारमेंट से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, so you should definitely enter your family business. You can establish an offshoot, यानी उससे संबंधित एक और business आप चालू कर सकते हैं, आप entrepreneur बन सकते हैं. See, आप professional degree लेकर भी entrepreneur बन सकते हैं. It's not कि professional हो गए अब हमें तो job ही करना है. It is a systemized body of knowledge. आपने professional बने हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको job ही करना है. You can be a big entrepreneur also. So these are some of the objectives of business. One more thing that actually comes under the significance or importance of business. हम देख रहे हैं हर एक country ज़्यादा से ज़्यादा business को या entrepreneurship को प्रेरित करती है. So एक सरकार का, एक economy का जो उद्देश्य है business को प्रोत्साहित करने का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार आए, उस country की economy rise करे. So that's how people have different objectives, business organizations have different objectives, professionals have different objectives. This is something what we have discussed is the basic list of reasons that why do we select a particular profession या why do we enter into a business. अभी जैसे हमने need for achievement वाली बात करी, ये बात business पर भी लागू होती है, it's not only for professionals. So now with this we end the topic, the unit, scope and meaning of business. Thank you.